Hey guys, this is Rekha. Welcome to Rekha's Kalakriti. If you are new to my channel, then first hit the bell icon below. आज मैं आपको डेकोपाज के बारे में बताऊंगी। डेकोपाज एक टिश्यू की तरीके का पेपर होता है जो बहुत ही सॉफ्ट होता है। उसको बहुत ही हल्के हाथों से इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। हमने पहले बॉक्स को एक हमने वेस्ट बॉक्स ले लिया है, उसको कट कर उसके पार्ट्स कट कर लिए। उसको साइड से भी कट कर लेंगे जैसा हम देना चाहें। अगर सीधा रखना चाहें तो सीधा, नहीं तो मैंने इस तरीके से इसको कट किया है जो मेरा शेप में बनकर तैयार हो गया। अब हम इसको इसके अंदर ऐसे फिक्स कर देंगे ताकि मेरे को डिवीज़न मिल जाए सामान रखने का, और टेप से हम इसकी बाउंड्रिंग कर देंगे ताकि वहाँ से हमारा ये बॉक्स फटे नहीं। और अपने जो अंदर मैंने लगाया उसको फिक्स करके फिर हम इसके अंदर कोई भी कलर करके बॉक्स को कलर कर लेंगे। बाहर हम जैसा हमारा डेकोपाज का पेपर है उसके अकॉर्डिंग मैचिंग कलर कर सकते हैं ताकि जब हम उस पर लगाएँ तो हमारा बॉक्स का डिज़ाइन जो है, जो बॉक्स पे भी जो भी कुछ लिखा हुआ है या वेस्ट बॉक्स है वो खिले। ये हमारा डेकोपाज का पेपर है। ये हमारे दो परत होती है। इसमें देखिए इस तरह से देख रहे हैं ना आप, इसमें से मैं आपको रिमूव करके दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से ये पेपर रिमूव हो जाता है, जिसको हम वाइट पेपर हटा देंगे। और बॉक्स को हमने ले लिया, जो मेरा बॉक्स कलर हो गया है उस पर हम ये ग्लू में थोड़ा सा पानी मिलाकर मॉड पैच बनाएंगे और उसको हम इस पर अप्लाई करके तब हम इस डेकोपाज के पेपर को अप्लाई करेंगे और ऊपर से मॉड पैच अप्लाई कर देंगे जिससे हमारा ये पेपर फिक्स हो जाए। और प्लीज़ केयरफुली, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। हमने देखिए पहले आपको बताया कि इसको पूरी शीट लगा दी। अब हम इसको हल्का सा टियर कर सकते हैं हल्के हाथों से और उसके बाद भी हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं डेकोपाज को। जब हमारा डेकोपाज पूरा अप्लाई हो जाता है तब उस पर हम हल्का सा कोई कलर लेके या कोई भी शेड लेके हल्के हाथ से ब्लेंड कर उस पर हम स्ट्रोक्स मारते हैं पेंट के, ताकि जिससे हमारा जो पेज है वो बिल्कुल भी जो स्टेयर्स बाहर आए हैं या कुछ भी है वो परफेक्टली अच्छा लगने लगे और उसका लुक जो है बहुत निखर कर सामने आता है। ध्यान रखिएगा, पहले हमारा जो भी हमने डेकोपाज पेस किया है वो हमारा पूरी तरीके से ड्राई हो जाना चाहिए, उसके बाद ही हम इस तरह के स्ट्रोक्स लगाएंगे तो हमारा डेकोपाज सेफ रहेगा, वो फटेगा नहीं। गीले रहने पर इसको इस तरीके की शेड से नहीं करना है। अब हम इसको डेकोरेशन कर देंगे। किसी भी चीज़ से, कोई भी मोटिव लेकर आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारा खूबसूरत सा डेकोपाज के साथ में ऑर्गेनाइज़र बनकर तैयार हो गया। आप इसमें बुक्स हैं और भी चीज़ें जो भी आप अपना जो अरेंज करना चाहें उनको इस ऑर्गेनाइज़र में रख सकते हैं। इफ़ यू लाइक माय वीडियो, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल एंड कीप लविंग माय वीडियोस। थैंक यू सो मच।